हेलो फ्रेंड्स, साने किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल की रेसिपी। तो देखिए, चने की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक बाउल मैंने चने की दाल ली है और ये सूखी दाल है और ये वजन में देखिए तो ये 250 ग्राम दाल है। तो पहले हमने अपनी दाल को वॉश करते हैं अच्छे से और आप चाहें तो इसको भिगो के भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसमें बाउल में ले ली है और इसको अच्छे से हमने वॉश करना है। देखिए, दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हमने इस कुकर के अंदर में डालना है। सारी दाल हमने कुकर के अंदर डाल देते हैं। देखिए, दाल हमने कुकर में डाल दी है और इसके अंदर हमने डालना है ये पानी। तो पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हमने जो चने की दाल ली है वो बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अंदाजे से ये 1 लीटर पानी है और 1 लीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो हमने इसके अंदर में डाल दिया है पानी और अब इसके अंदर हमने डाले हैं कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर, साथ ही हमने लेना है ये 1 से 2 पिंच मैंने लाल मिर्च ली है क्योंकि लाल मिर्च हमने तड़के में लगाना है तो इसलिए मैंने हल्की रखी है। साथ ही हमने 1/2 चम्मच लेते हैं इसमें धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखिए, हमने डाल दिया है सूखे मसाले और साथ ही हमने लेना है ये 1 चम्मच हमने बारीक चौकी हुई अदरक। आप चाहें तो इसको पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे चॉप करके डाली है। तो चलिए, इसको रखते हैं गैस पे। देखिए, कुकर को हमने गैस पर रख दिया है और इसमें हमने ये लगा देते हैं और इसमें हमने 1 सीटी लगा के उसके बाद में हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो चलिए, पहले हमने 1 सीटी लगवाते हैं। देखिए, 1 सीटी हमारी कुकर में आ चुकी है और गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसको कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट में मतलब पकाना है लो फ्लेम पे। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट में। देखिए, दाल का पोर्शन निकल गया है और हम कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारी दाल कैसे बनी है। देखिए, दाल हमारी अच्छे से बन गई है और आप देखने से लगेगा कि भाई ये दाल और पानी बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, मैंने दाल का दाना जो क्रश करके दिखाया है, बिल्कुल गल गई है दाल। और चलिए, इसका हम तड़का तैयार करते हैं। देखिए, दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसके अंदर हमें डालना है ये ऑयल। ऑयल में कम से कम बड़ा 1 चम्मच डाल दूँगी ऑयल, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं कि ऑयल गरम हो गया है। ऑयल में हमने डालना है 1/2 चम्मच ये ज़ीरा और साथ ही हमने डालना है ये 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखा है, ये डाल देते हैं हम। इसको हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा बस। क्योंकि प्याज हमारी हो गई है, इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करनी है। चलिए, इसके अंदर हमने डालना है ये बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, ये मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है। साथ ही हमने लेनी है ये 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, ये भी हमने इसमें डालना है और इसको अच्छे से हमें भूनना है। देखिए, हमारे टमाटर जो है वो जो थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं और इसके अंदर हमें थोड़ा सा इसमें ये देगी मिर्च डाल देती है जिससे कि हमारी जो दाल में कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं MBH की देगी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 1/2 चम्मच डाल दी है और साथ ही हमने डालना है इसमें 1/2 चम्मच ये गरम मसाला पाउडर, ये मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं हरा धनिया, इससे क्या है हमारी दाल में टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये अच्छे से हमने इसको भूनना है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून कर तैयार हो गया है और इसके अंदर हमने डालनी है ये दाल। दाल को मैंने ये बाउल में निकाल लिया है कुकर से, तो ये हमने इसमें डाल देना है सारी दाल। इसको अच्छे से हमें पकाना है, कम से कम 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे इसको। दाल हमारी अच्छे से बनकर तैयार होगी। इसको हम ढक्कन लगाते हैं और ये 5 से 7 मिनट और पकाएंगे हम इसको। देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमारी दाल को बनते हुए और चेक करते हैं तो ये देखिए, हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और देख सकते हैं कि बिल्कुल अब पानी अलग नहीं है, दाल अच्छे से परफेक्ट बन गई है। तो चलिए, इसको गैस को बंद करते हैं और इसको लगाते हैं बाउल में। देखिए, हमने अपने बाउल को ले आए हैं और इसमें हमने अपनी दाल को लगाना है। तो ये देखिए, हमने अपनी दाल को इस बाउल के अंदर मैं लगाने लगी हूँ।
देखिए कितनी सुंदर हमारे दाल का कलर आया है, बहुत ही मज़े की हमारी दाल बनी है। देखिए दाल को हमने बाउल में लगा दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हमने हरा धनिया लगा देते हैं गार्निश के लिए, जिससे कि हमारी जो दाल है देखने में अच्छी भी लगेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हरा धनिया का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो ये हमने धनिया भी लगा दिया है इसके अंदर। देखिए चने की दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है और मैंने ये बाउल में लगा दी है। देख सकते हैं कि हमारी कितनी मज़ेदार हमारी चने की दाल बनकर तैयार हुई है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चने की दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।